नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्शन। दोस्तों, मैंने एक नई पेन ड्राइव, वीडियो पेन ड्राइव लॉन्च की है, 2016 to 19। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस पर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये प्रोसेस का प्रोसीजर क्या है उसके बता सकते हैं। क्लासेस को ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे, और एक क्लास स्टार्ट होने वाली है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे और मोर वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पे आप सर्च करें आईपीटी इंडिया, तो मेरे बहुत सारे वीडियो जो वहां पे आपको दिख जाएंगे। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और आज की टॉपिक है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट, शीट ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हमने रेंज ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, आज हम बात करने जा रहे हैं शीट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे फाइलें खुली है, इसको पहले बंद कर देता हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी के पास किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास मेनली तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला आपका एप्लीकेशन, जिसको हमने छोड़ दिया है, और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट वर्कबुक, इसके बारे में हमने पढ़ा, और तीसरा हमारा पास है शीट्स, जो कि हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, और हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने तीन सीट है यहाँ मेरे फाइल में, और तीनों सीट का नाम दिख रहा है आपको, C1, C2, C3, और ब्रैकेट में भी C1, C2, C3 दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिंग मेथड को। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्कबुक को वर्क बुक्स और एक्टिव वर्कबुक से डोनेट करते थे, मैंने कॉल करते थे, ठीक है सर। उसी तरीके से हमारे पास सीट्स हैं, तो सीट को भी हम तीन चार तरह से डिनोट करते हैं, मतलब कॉल करते हैं। देखिए, हर सीट का दो नाम होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम और सेकेंड कैप्शन नेम। प्रॉपर्टी नेम जो कि प्रोग्रामर को दिखता है, और कैप्शन नेम जो बाहर आपको यहाँ पे जैन फैम के रूप में जो लिखते हैं वो दिखता है, राइट। तो अगर मान लीजिए मुझे अगर सीट थ्री पे जाना है, तो sheet3.activate लिखूंगा, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नेम। हो सकता है सीट थ्री का कैप्शन नेम हो हमारा डेटा। तो अगर मुझे कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग जाना होगा तो मैं लिखूंगा सीट्स डेटा एक्टिवेट या सेलेक्ट। एक्टिवेट एक पीसी के लिए होता है, सिलेक्ट एक या एक से ज्यादा के लिए होता है। तो दो तरीका है, ये हमारा प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग हो गया, ये हमारा कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग हो गया, और तीसरा होता है हमारा सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग सीट्स। और मान लीजिए मुझे अगर डेटा जानना है तो 1, 2, 3 तीसरी सीट सीक्वेंस में पोजिशन के हिसाब से। ये आपका ये तीन हो गया, चौथा जो कि हम जानते हैं एक्टिव सी। तो चार तरीके होते हैं किसी एक्सेल फाइल को, एक्सेल सीट को डिनेट करने के लिए। अब एक्टिवेट के जगह पे बहुत और भी चीजें हो सकती है, कॉपी मूव, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो एक्शन होता है, लेकिन
उससे डॉट से पहले वाली जो चीजें होती है वो इनमें से हम इसी इनमें से चारों में से कोई एक लेते हैं। अब कौन सा लेंगे, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले सर, जा बोलिए। हेलो। जैसे हम सीट वन पे हैं, सीट वन पे हैं, हाँ ठीक है, एंड सीट थ्री पे जाना है, तो उसे एक्टिव सीट थ्री करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट सीट थ्री पर चलेंगे। नहीं, समझे आप। एक्टिव सीट का मतलब हुआ जो सीट एक्टिव है। अभी इसमें मान लीजिए कि जो हमारा फाइल है बुक वन, इसमें कौन सा सीट एक्टिव है? डेटा सीट एक्टिव हुआ ना। तो डेटा सीट है, ओके, तो जो यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट सिलेक्ट तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्टिवेटेड है, उसको क्या सिलेक्ट कीजिएगा, आप क्या एक्टिव कीजिएगा, इस पर और कोई कमांड चलेगा, रिनेम ओके, कॉपी पेस्ट चलेगा, वो ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, और जैसे एक ओके, सीट से दूसरे सीट के ऊपर जाना है तो हम एक्टिवेट या सिलेक्ट का कमांड लगाते हैं। जो सीट एक्टिव है उसको एक्टिव का कमांड तो नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाने को लगा सकते हैं लेकिन कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। इनकेस अगर हमको नाम अगर पता है तो वहां सीट्स और ब्रैकेट में आपने नाम दिया, नाम देकर मैं एक समझा रहा हूं उसके बारे में, के समझिए पहले। अब चार कोड को कब हम कब कब इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले जाइए कि प्रॉपर्टी नेम। ये प्रॉपर्टी नेम कब चेंज होता है? जब सीट डिलीट होगी तभी वो चेंज होगा। मतलब कि अगर मैंने सीट थ्री को डिलीट कर दिया यहां से, राइट, और उसके बाद मैंने एक सीट ऐड किया, इसका नाम डेटा रख दिया, तो आप देखिए इसमें हमारा पहला लाइन नहीं चलेगा, ये आपका एरर देगा। क्यों? क्योंकि तो सीट थ्री डिलीट होने के बाद जो नया सीट ऐड हुआ उसका प्रॉपर्टी नेम सीट फोर है। तो इस कोड को चलाने के लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी नेम को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके होगा, और चेंज करने के लिए मुझे वीजी का एक्सेस लेना पड़ेगा। सो ये आम यूजर के लिए सुटेबल नहीं है। तो जब आपका सीट बार बार डिलीट हो रहा है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब उस केस में अगर आपके पास नाम सेम है कि डेटा, लेकिन वो सीट डिलीट होकर नई सीट ऐड होती है, तब उसका नाम डेटा पड़ जाता है। तो नेम फिक्स है हमारा बट सीट फिक्स नहीं है, तो हम यूज करेंगे हमारे इस मेथड को, लेकिन उसके लिए आपको नाम पता होना चाहिए, राइट। लेकिन आपका नाम फिक्स कॉमन नेम है, जैसे कि आपका नाम जो है बार बार चेंज होते रहता है। अभी डेटा होगा, कल लार्ज बैक डेटा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग समरी मंथ के नेम, जैसे जन फेब मार्च, हम रिनेम अपने सीट को रिनेम करते रहते हैं। जैसे डेटा के जगह पे, अब मान लीजिए कि मैं डेटा के जगह पे मैंने डेटा के जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन सीट फोर में यहां लिख दूं तो ये वर्क करेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है सीट डिलीट होने के बाद, खैर सीट डिलीट होने पे चेंज होगा या फिर प्रोग्रामर चेंज कर सकता है। तो ऐसा सीट जिसका नाम बार बार चेंज होता है बट सीट फिक्स है, तो आप सीट की प्रॉपर्टी नेम से उसको रिनोट कर सकते हो। तो ये दोनों समझ में आ गया, दोनों का पोजीशन कब यूज करेंगे? ऐसा सीट जो बार बार रिनेम होता रहा है बट डिलीट ना हो, तो आप प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे। ऐसे सीट जिसका नाम फिक्स है बट वो सीट डिलीट होते रहता है और रिनेम होते रहता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए मुझे एक फाइल के सारे सीट का डेटा उठाना है बट मुझे नहीं पता सीट का नाम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, आई डोंट नो, और एक्टिव भी होगी तो एक ही सीट एक्टिव होगी ना। तो उस केस में हम इससे इसके सीक्वेंस नंबर चलेंगे कि हम लूप में लगाएंगे कि पहले सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, ऐसे एक एक करके सारे सीट का डेटा उठा लेंगे। तो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सीट का प्रॉपर्टी नाम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, वो पोजीशन के हिसाब से चलता है। अगर मैंने इसको वन कर दिया तो वो क्या करेगा कि इसको लेगा, क्यों, अभी एक जैन है इसलिए। अगर जैन को उठा के मिड में कर दिया तो सीट टू वन टू को लेगा, क्यों, पोजीशन के हिसाब से चलता है। तो ये सीक्वेंस नंबर हो गया,
और एक्टिव सीट तो आप जानते ही हैं कि एक्टिव सीट कब यूज होता है। कोई डाउट सर किसी को? तो कौन सा कोड कब इस्तेमाल करेंगे आप अपने सिचुएशन से खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीट पे होने वाले काम का। जैसे मुझे एक सीट को ऐड करना है तो लिखेंगे सीट्स डॉट ऐड। जो सीट ऐड हुई है उसका नेम मुझे डेटा रखना है, तो जाहिर सी बात है जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट होगा। जैसे कोई फाइल एक्टिवेट होता है तो होता है, तो यहां पे हम करेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू जो नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैंने डेटा दे दिया, ठीक है सर। लेकिन मुझे सीट रिनेम किया हुआ सीट ही चाहिए, जैसे कि मैंने फाइल में बताया था मुझे सेव किया हुआ फाइल ही चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सीट्स डॉट एड और यहां पे हम डायरेक्ट नेम दे सकते हैं और वो डेटा नाम का सीट ही ऐड करेगा। लेकिन सीट जब भी हम ऐड करते हैं, लिख दिया सीट्स डॉट एड, ये कहां ऐड होगा? जो सीट आपकी एक्टिव है उससे पहले। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर सीट के बाद चाहिए या किसी पर्टिकुलर सीट के पहले चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें जैसे आप स्पेस देंगे यहां पे बिफोर एंड आफ्टर आएगा, ठीक है सर। तो जो बिफोर आएगा तो बिफोर यहीं पे आप मान लो बिफोर पे लिखना है तो यहां पे आप लिख दीजिए सीट्स और जिस सीट का नाम है, या इन चारों में से जो मेथड आप देना चाहते हैं वो मेथड आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कि तीसरे सीट से पहले डेट सीट ऐड हो, तीसरे सीट से पहले। लेकिन मुझे तीसरे सीट के बाद चाहिए तो मैं यहां पे कॉमा दे दूंगा, तीसरे सीट के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे लास्ट में ऐड हो, जैसे कि हम जनरली जब यहां पे क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में ऐड होता है ना, तो यहां पे हम जो है सीट यहां पे दे देंगे सीट्स डॉट काउंट। सीट डॉट काउंट क्या करेगा? सीट डॉट एड यहां पे काउंट, तो सीट डॉट काउंट क्या करेगा कि ये देखेगा कि आपकी फाइल में कितने शीट्स हैं, उसकी काउंट दे देगा और उसके बाद ये ऐड होगा। लेकिन एक बार में वो एक ही ऐड करेगा, तो यहां पे हम काउंट में देते हैं पांच, तो एक जितना चाहिए आपको पांच, तो पांच सीट ऐड कर देगा। तो काउंट में यू विल डिसाइड कि कितना सीट ऐड होगा, ठीक है। और ये टाइप हम आपको बाद में सिखाएंगे, जैसे ये आप जो टेम्पलेट वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बाद में हम बताएंगे, फिलहाल समझ में नहीं आएगा। तो सीट को ऐड करना आपने सीख लिया, राइट। सीट को रिनेम करना आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं सीट को मूव करना, जैसे कि यहां से उठा के हमने यहां रख दिया, या कॉपी करना, इसी की कॉपी एक बना दी। तो मान लीजिए कि मुझे सीट फोर का फोर डॉट मूव लिख दिया और कुछ नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि इसको मूव कर देगा एक न्यू फाइल में, ठीक है ना, एक न्यू फाइल में मूव कर देगा सीट को। लेकिन मुझे इसी फाइल में चाहिए तो किस सीट के पहले या किस सीट के बाद में चाहिए आपको लिखना पड़ेगा इस मेथड के अकॉर्डिंग, सीट फाइल। यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटा, कि डेटा सीट के बाद मूव करे, ठीक है ना, पहले करे आफ्टर चाहिए तो यहीं पे कॉमा लगा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मैं मेरे पास एक और सीट है बुक टू, मुझे न्यू सीट में नहीं चाहिए, मुझे बुक टू के सीट टू के बाद चाहिए, क्या? तो हम यहां पे कोड आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इससे पहले हम लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे हम दे देंगे बुक
टू डॉट एक्सएल एस एक्स या एम जो भी इसकी एक्सटेंशन है, और यहाँ पे सी फोर या इसके बाद यहाँ पे सी टू, समझे। बट लेकिन ये वर्कबुक ओपन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपने जस्ट सी फोर डॉट मूव लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं किया, तो एक न्यू फाइल में मूव हो जाएगी और वही फाइल आपका एक्टिव होगा, राइट। और आपने इसको अगर मूव किया किसी किसी सेम सीट के किसी पर्टिकुलर सीट के बिफोर या आफ्टर, तो उसका सीट नेम देना पड़ेगा। किसी अनदर वर्कबुक जो ओपन है उसका रेफरेंस इस तरह से दे सकते हैं। और मूव के बाद अगला जो आता है वो आता है कॉपी। तो कॉपी भी उसी तरह से होता है कि यहाँ पे मूव की जगह पे कॉपी लिखते हैं, और उसका भी सेम होता है, बस यही होता है मूव की जगह पे कॉपी हो जाता है, रूल नियम सेम, ठीक है। चलिए मूव वाला एक बार रन करा के दिखाइए ना सर, अभी मैं कोड समझा रहा हूँ, रन नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है ना। तो रन कराने के लिए इसके अकॉर्डिंग सारा कोड लिखना पड़ेगा ना, अभी ये थोड़ी रन होगा कोड, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको जो एक प्रोजेक्ट बताया था शुरुआत में, जो कॉपी पेस्ट वाली, डेटा कॉपी पेस्ट वाली याद होगा, रिकॉर्डिंग मैक्रो में, वहां हमने इसका यूज किया था, देखिएगा क्या आपने ध्यान दिया, उस रिकॉर्डिंग को देखिएगा, पता चल जाएगा। अब बात करते हैं डिलीट को, तो शीट्स डॉट डिलीट, इस कौन सा सीट, और सीट्स का नाम इसके अकॉर्डिंग आप लिखे, सीट फोर डॉट डिलीट या जो भी आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, इससे पहले का क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है इस रूल के ऊपर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सीट फोर डॉट डिलीट, लेकिन ये डिलीट का कोड जैसे ऐसे लिख दोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे सीट को हम डिलीट करते हैं तो हमें एक अलर्ट आता है, यू वांट टू डिलीट, ये आपको भी आएगा अगर आपने सीट फोर डॉट डिलीट या सीट डॉट डिलीट लिख दिया तो जब ये डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके नीचे ये कोड रन होगा, ये माइक्रो ब्रेकर की तरह काम करेगा, रुक जाएगा जब तक आप डिलीट पे क्लिक नहीं करो। मैं चाहता हूं इस तरह के पॉपअप ना आए, वो डायरेक्ट उसको पास आउट कर दो, तो उसके लिए इसके ऊपर डिलीट से लिखने से ऊपर आपको एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फाइव। बस आप एक कीजिएगा, ये सिर्फ इसी माइक्रो के लिए सेटिंग चेंज होगा, परमानेंटली सेटिंग चेंज नहीं होगा, सो डोंट वरी, ठीक है सर। आपकी सीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो हमने सीट को ऐड किया, हमने सीट को रीनेम किया, हमने सीट को मूव किया, हमने कॉपी किया एंड डिलीट किया। उसके बाद आती है सीट को हाइड करना, तो सीट डिलीट के बाद ट्रू भी देना पड़ेगा ना, वो यस या नो सेलेक्ट करने के लिए आपको, अगर इसके आगे इस माइक्रो में इससे आगे अगर डिस्प्ले अलर्ट चाहिए तो ट्रू दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो फॉल्स कर दीजिए। ये पमाने डिस्प्ले अलर्ट नहीं सर, डिलीट करने के लिए यस या नो पूछ रहा ना, उसमें ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। किसमें? जब सीट डिलीट करेंगे तो उसमें यस या नो पूछ रहा है ना, तो उसमें भी ट्रू या फॉल्स करना पड़ेगा। नहीं, डिलीट के बाद नहीं, क्योंकि डिलीट में ट्रू एंड फॉल्स के लिए सिस्टम यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स किया, हमने अलर्ट सिस्टम को ही बंद कर दिया, ठीक है ना। देखिए अलर्ट सिस्टम बंद हुआ है सिर्फ हमारे इस मैक्रो के लिए, एक मैक्रो के लिए, परमानेंटली नहीं हुआ, ध्यान रखिए। तो अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा सीट फोर और मैंने लिख दिया यहाँ पे हिडन, बीजबन माफ कीजिएगा, बीजबन। अब बीजबन के जैसे इक्वल कीजिएगा, तीन ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला सीट हिडन, अगर इसको नॉर्मल सीट हिडन लिख देते हैं तो जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे हाइड करते हैं ना वो हाइड होगा, कोई भी इसको सेलेक्ट करके अनहाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी अनहाइड ना कर सके, तो मैं बीजबन और यहाँ पे एक्सेल वेरी हिडन कर दूंगा। अब वेरी हिडन होने पे क्या होगा कि यहाँ हिडन लिस्ट में नहीं आए, इसको अनहाइड करने के लिए खाए तो मुझे
4.12 इक्वल टू मुझे इजल करना पड़ेगा या फिर उस पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहां से करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको VBA पे आना पड़े, आप यहां भी प्रॉपर्टी बार होता है यहां से भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम है तो कोई भी कर लेगा। तो आप अपने VBA प्रोग्रामिंग में VBA कंसेप्ट में या डेवलपर टाइप का जो भी फीचर्स होता है VBA फीचर्स होते हैं उसमें प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। कैसे? टूल्स आपको दिखेगा, टूल्स में आपके पास होगा VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करेंगे और सेकेंड टाइप प्रोटेक्शन, उसमें लॉक और पासवर्ड आ जाती है। अब आपकी कोड को प्रॉपर्टी को बगैर पासवर्ड के कोई नहीं देख, ठीक है ना। पासवर्ड डालने से पहले मैं हिदायत देता हूं कि पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं, तो उसी हिसाब से डालिएगा ताकि आपको याद रहे, बाद में पासवर्ड अगर भूल गए तो आपका सारा फीचर लॉस्ट हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीट को विजुअल कर लिया, हाइड अनहाइड भी कर लिया, अब बात करते हैं सीट को प्रोटेक्ट करने का। तो सीट फोर डॉट हम यहां पर देते हैं प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट देने के बाद हम सबसे पहले तो पासवर्ड डालें, उसके बाद ये बहुत सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स डालना होता है। क्या होता है सारे ऑप्शंस? ये अलाउ होते हैं आफ्टर द प्रोटेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ ना अलाउ और यूज फॉर दिस वर्कशीट टू, जितने चेक बॉक्स है वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई फीचर आपको देना है, दो फीचर तो डिफॉल्ट होता है, सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, इनके अलावा अगर कोई और आप देखते हैं आपके पास कोई और है देना चाहते हो तो आप ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे मान लीजिए कि इसमें इस फिल्टर अप्लाई करना है, मतलब कि वो फिल्टर इस यूज कर सके, तो फिल्टर लास्ट में है। तो अब लास्ट में जाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि मैं इसको कॉमा 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 कॉमा, अब यहाँ पे मैं ट्रू लिख, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इतना मान लीजिए 15-20 हुआ तो इतने सारे कॉमा लगाने पड़ेंगे, तो आपको इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा कॉमा ना देना पड़े, यहां पे देना पड़ेगा पासवर्ड सेमीकोलन इक्वल टू, हमने पासवर्ड डाल दिया कॉमा, अब देखिए लिखूंगा अलाउ बोल हो गया, ले लिया सेट, अब मैं इसमें ट्रू कर दूं। और सिर्फ इसी के मेथड इसके लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सीट यहाँ पे हमने देखिए ऐड हुआ, तो अगर मैं लिख दिया यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड, सॉरी सर, तो यहाँ पे हमने सीट डॉट एड दे दिया और हमने यहाँ पे लिखा आफ्टर कॉलन इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे दे दिया। इस तरह से भी दे सकते हैं, मैं हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है सर। अब इसमें अब बात करते हैं सीट को प्रोटेक्ट करने के बाद अनप्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो सीट फोर या जो भी है मेथड अनप्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट में पासवर्ड भी लगे रिक्वायर है, हमने पासवर्ड डाला। अनप्रोटेक्ट के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कि हम के बाद बारी आती है इसकी टैब कलर की। टैब कलर क्या होता है? इसी सीट को हम लोग राइट क्लिक करके टैब कलर करते हैं ना, यहां से ये टैब कलर। तो इसमें जो है हम देते हैं, मान लीजिए कि हमने दिया यहां पे सी फोर डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू,
वीवी रेड ग्रीन श्याम जनता इस तरह से दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हैं सीट फोर डॉट कलर इंडेक्स। टैब माफ से टैब होगा ना पहले, टैब डॉट कलर इंडेक्स, और यहां पे 0 से 55 तक का नंबर होता है, वो नंबर आप दे सकते हैं या फिर सीट फोर डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू आर जी वी और यहां पे नंबर दीजिए। आरजीओ तो रेड ग्रीन ब्लू, तो ये नंबर कैसे पता चलेगा? कलर इंडेक्स तो ये इंडेक्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा थोड़ी देर, इसमें तो पता चल जाएगा वो ऑलरेडी बने बनाए 52 तक ये नंबर माफ कीजिएगा 52 तक ही है, मतलब कि 0 से लेके 52 तक कोई नंबर दीजिएगा तो उसके हिसाब से कलर देगा, उसका एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स हम आपको ढूंढ के दे देंगे आपको, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि आरजीबी क्या कैसे पता चलेगा, देखिए जब आप कलर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि मुझे एक कलर अप्लाई करना है, तो मैं इसके मोड फील्ड पे जाऊंगा और इसके कस्टम स्टैंडर्ड तो होता है ये, कस्टम भी होता है, वहां पे देखिए ये आ गया ना, जीरो रेड जीरो है, ग्रीन 176 है और ब्लू 255 है, तो जाके एक कलर बना है। तो सेम चीज आप यहाँ पे आरजीबी मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है, वो कलर हो जाएगा। कलर के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेथड कलर मेथड सब में सेम होता है, चाहे रेंज पे हो चाहे चार्ट पे हो, सब पे सेम होता है। तो चार्ट पे सीट पे तो और कुछ करते नहीं ना सर, हम सीट को एक्टिवेट करते हैं, हम सीट को ऐड करते हैं, रिनेम करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, हाइड अनहाइड, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, कलर करते हैं, इसके अलावा कुछ तो करते नहीं सर, नहीं। हाँ तो एक कोड मैं आप लोगों को अभी चैट पे डाल देता हूँ, वहां से आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सर एक चीज इसमें पूछना था, हाँ जैसे यहाँ पे कोड आपने बताया ऊपर ऐड का बताया, रीनेम का बताया, डिलीट का बताया, ठीक है, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना सर। तो इसका कहीं नाम लिख के पढ़ो, जैसे फर्स्ट आपने कोड बताया ऊपर एक्टिवेट का, तो ये जस्ट एक्टिवेट करने के लिए है, दूसरा जो कोड बताया ये रीनेम करने के लिए, तो ऊपर कहीं हेडिंग लिख करके ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या आपके पास, ताकि वो समझने बाद में इजी हो। नहीं, इसके लिए आई थिंक मैंने शुरुआती क्लास में बताया था कि आप इसके क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे ना जी, आपका एक्सेल का वीवीए इसका वीवीए का आपका हेल्प खुल के आ जाएगा, आई थिंक यहाँ इसमें बोला है, ठीक है ना। इसमें अगर आएंगे तो यहाँ देखिए वीवीए रेफरेंस दिखा आपको सर, जी जी वीवीए रेफरेंस में आपको देखिए ऑब्जेक्ट मॉडल, अब ऑब्जेक्ट मॉडल में जितने भी ऑब्जेक्ट चाहे वर्कबुक का हो, शीट का हो, रेंज का हो, सबका यहाँ लिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं वर्कशीट की, राइट, यहाँ देखिए ऊपर सीट ऑब्जेक्ट का कहा गया, सीट ऑब्जेक्ट दिख गया, सीट सब्जेक्ट ये, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये रहा सारा एग्जांपल, ठीक है। इसमें इसके बारे में दिया गया है एक शॉर्ट नोट, उसके बाद सारे मेथड और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे दिया गया, यह हुआ ना। अब इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो इसके बारे में डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ओके ओके थैंक यू सर, यही क्योंकि शायद ये क्लास मेरा मिस हो गया होगा। तो आप इसको देख सकते हो, कल हम इस जैसे हमने वर्कबुक के ऊपर वर्कबुक की क्लास ली थी, उसके रिलेटेड हमने आपको प्रोजेक्ट एक कल प्रोजेक्ट का वीडियो दिया था, लाइक आप लोगों ने वीडियो समझ लिया बना, मैं बताता आपको, कल हम आपको एक सीट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको बनाना है, जो आप नहीं बना पाएंगे फिर, ठीक है। फिर हमारा अगला रेंज का ऑप्शन मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय। एक मिनट सर, चैट सेव नहीं किया मैंने, चेक कर लीजिए।
सर चैट बंद हो गया क्या? नहीं बंद नहीं हुआ, चैट पे जाके क्लिक क्लिक आ जाएगा सर, चैट पे सर वो आप ये जो भी आपने लिंक खोला था वो भी मेल कर दो सर माइक्रोसॉफ्ट का। सर वो क्लिक करते ऑटोमेटिक आएगा, और लिंक सेम नहीं होता कभी कभी, वो हट जाता है, वो टेम्पलेट में जाके जो क्लिक होती है, तो आप कस्टमर बटन पे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा वो एक्सेल हेल्प, एक्सेल की हेल्प है ना सर वो। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग होता है, ऐसे इंटरनेट है तो इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, नीचे एक्सेल में उसका उसका हेल्प जो है ऑफलाइन है मिल जाएगा। 2013 16 19 में आपका हेल्प ऑनलाइन है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।